दौर के बाद आई इस प्राचीन मंदिर में भी तबाही। राम नवमी में पसरा इस मंदिर में भी मातम। और इंदौर के बाद कांप उठा भारत का दूसरा प्राचीन मंदिर। यहाँ की तबाही इंदौर के बावली कांड से भी भयानक है। इंदौर में तो केवल उन्हीं लोगों को नुकसान हुआ जो उस गहरी बावली में गिरे थे, लेकिन हम जिस घटना की बात कर रहे हैं उसने पूरे मंदिर को ही अपनी चपेट में ले लिया था। और ये घटना भी इंदौर की तरह ही राम नवमी के दिन घटी थी। यहाँ भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ था और यहाँ भी चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। तो आखिर क्या है वो घटना जिसने देश भर के तमाम शिव भक्तों को हिला कर रख दिया है? क्यों हो रही है राम नवमी में ये अनहोनियां? और आखिर मंदिरों में ही क्यों घट रही हैं ये अशुभ घटनाएं? क्या मंदिरों और हिंदू त्योहारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भारत के जिस मंदिर में ये घटना घटी है उसे दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महादेव की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के तुनुकु मंडल के दुव्वा गांव में स्थित है श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। श्री वेणुगोपाल स्वामी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है और इस मंदिर में उन्हीं की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के इस मंदिर को भारत के कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कई मायनों में विशिष्ट ये मंदिर अपने विशेष त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ जन्माष्टमी से लेकर राम नवमी तक सभी उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। बीते दिनों 30 मार्च के दिन भी यहाँ राम नवमी की कुछ विशेष तैयारियाँ की गई थी, लेकिन इस बार की राम नवमी श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर को भारी पड़ गई और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उस दिन मंदिर में राम नवमी का त्योहार जोरों पर था। मंदिर को किसी दुल्हन की भांति सजाया गया था और फिर अचानक से मंदिर में आग लग गई। पहले तो आग मंदिर के आगे वाले हिस्से में लगी थी और देखते ही देखते आग मंदिर के पूरे पंडाल में फैल गई। आग की शुरुआत बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी। उस दिन मंदिर में भारी भीड़ मौजूद थी और मंदिर के अंदर कितने लोग ऐसे भी थे जिनको आग की भनक तक भी नहीं थी। देखते ही देखते उस आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी तरह से मंदिर आग की चपेट में आ गया। मंदिर में मौजूद सभी को आग की भनक लगी और चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने मौका रहते ही आग पर काबू पा लिया और अनेकों लोगों की जान बच गई। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन उसी दिन और उसी अवसर पर इंदौर में जो हुआ उसने देश भर के सभी शिव भक्तों को हिला कर रख दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्नेह नगर के पास पटेल नगर में स्थित है श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर। मंदिर में मौजूद है एक अत्यंत प्राचीन बावड़ी जो 40 फीट से भी ज्यादा गहरी है और उस बावड़ी के 15 फीट तक का पानी पूरी तरह से गंदा है। बीते दिनों 30 मार्च के दिन राम नवमी के अवसर पर उसी बावड़ी की जर्जर छत पर पूजा का आयोजन किया गया था। देखते ही देखते उस बावड़ी की छत पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और जर्जर छत लोगों का वजन नहीं सह सकी।
परिणाम स्वरूप छत टूट गई और अनेकों भक्त उस बावड़ी में गिर गए। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने प्रशासन तक बात पहुंचाई और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम वहां आकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि तब तक सारे लोग उस बावड़ी में गिर चुके थे। ऐसा माना जाता रहा है कि उस बावड़ी में 50 से अधिक लोग गिरे थे, 36 से अधिक लोग इस हादसे में मारे गए और इस घटना में कईयों के घायल होने की भी खबर है। इंदौर के श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर का वो कुआं राम नवमी के दिन मौत का कुआं बन गया। रेस्क्यू टीम ने वहां से लगातार श्रद्धालुओं को निकाला, उनमें से कुछ जिंदा थे, कुछ घायल थे और कई मारे जा चुके थे। 30 मार्च से 31 मार्च तक रेस्क्यू टीम ने लगातार शव निकाले और रामनवमी किसी मातम में बदल गई। इस प्रकार की दुर्घटना में किसी पर दोषारोपण करना गलत होगा, लेकिन बावड़ी की छत पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन को नजरअंदाज किया जा सकता था। राम नवमी के शुभ अवसर पर हुई ये घटनाएं किसी के हाथ में नहीं थी, लेकिन वही कुछ घटनाएं पूर्व निर्धारित थीं। गुजरात के वडोदरा और बंगाल के हावड़ा में राम नवमी के शुभ अवसर पर जो कुछ भी हुआ उसे पूर्व निर्धारित माना जा सकता है। गुरुवार 30 मार्च के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी राम नवमी का त्योहार पूरे देश में बड़े धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन इस शुभ अवसर पर हर बार की तरह कुछ असामाजिक और अधार्मिक तत्व अपना वास्तविक रंग दिखाने से ना चुके। उन्होंने हर बार की तरह राम नवमी को अपना निशाना बनाया और राम नवमी के जुलूसों पर पथराव किया। इस दौरान देश के कई राज्यों में झड़पें भी देखने को मिली। गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव हुआ और वाहनों में आग भी लगाई गई। पश्चिम बंगाल में आए दिन हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता है और हर हिंदू त्योहारों पर यहाँ सरकार समर्थित दंगे होते रहते हैं। तो आपकी इस विषय में क्या राय है? क्यों हर बार हिंदू त्योहारों को ही निशाना बनाया जाता है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।